हेलो गाइज, आज इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं फेयर एंड हैंडसम क्रीम का। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस क्रीम को यूज़ करने से आपको क्या क्या बेनिफिट होते हैं और क्या क्रीम सच में आपके चेहरे को गोरा बनाती है और क्या इस क्रीम के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। इस क्रीम के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। इस सबसे पहले इस क्रीम की कंपनी की बात करें तो हम पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इस क्रीम को बनाती है इमामी। एंड गाइस यहाँ पर हम नीचे में देख सकते हैं यहाँ पर इस पे लिखा हुआ है फेयर एंड हैंडसम रेडियंस क्रीम फॉर मैन। इस क्रीम पे प्राइस और क्वांटिटी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास आज 30 ग्राम का पैक है और इसका प्राइस है 80 रुपीज़। और ये क्रीम आपको किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से आसानी से मिल जाएगी या वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी जाकर आप इसे बाय कर सकते हैं। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं इस क्रीम को यूज़ करने से आपको क्या क्या बेनिफिट होते हैं। गाइज ये फेयर एंड हैंडसम की क्रीम आपकी स्किन को 7 डेज में रेडियंस देने का दावा करती है। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है 7 डेज रेडियंस प्रोमिस। एंड गाइज ये क्रीम आपके ऑयल को भी कंट्रोल करने में हेल्प करती है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ये आपकी स्किन से ऑयल को भी रिमूव कर देती है। गाइज ये क्रीम ये भी दावा करती है कि ये क्रीम आपकी स्किन को सन से प्रोटेक्शन देती है। गाइज अगर आप इस क्रीम को लगाकर बाहर धूप में जाते हो तो ये आपकी स्किन को सन से भी प्रोटेक्ट करती है। एंड गाइज इस क्रीम को लगाने का बेनिफिट ये भी है, अगर आपको फेस पे ज़्यादा पसीना आता है तो ये क्रीम उससे भी आपको प्रोटेक्ट करती है और आपको यूथफुल लुक देने का काम करती है। एंड गाइज लास्ट में बात आती है, क्या ये क्रीम आपको फेयरनेस देती है, मतलब कि क्या ये आपके चेहरे को गोरा बनाती है। सो गाइज मैं आपको बता दूँ कि अगर आपकी स्किन थोड़ी डार्क है तो इस क्रीम के रेगुलर यूज़ से ये क्रीम आपको थोड़ी फेयरनेस तो ज़रूर देती है। जैसे ही आप इस क्रीम को अपने चेहरे पे लगाते हो तो इस क्रीम को लगाने के बाद ही आपका चेहरा कुछ घंटों के लिए काफ़ी गोरा नज़र आने लगता है। गाइज ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप सोचते होंगे कि ये क्रीम आपको बहुत ज़्यादा गोरा बना देगी, सो गाइज मैं आपको बता दूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, अगर आप इस क्रीम को रेगुलर यूज़ करते हो तो ये क्रीम आपको थोड़ी फेयरनेस तो ज़रूर देने वाली है। गाइज बात करें इस क्रीम के साइड इफ़ेक्ट की, सो गाइज मैं आपको बता दूं कि इस क्रीम में कुछ भी ऐसे हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स का यूज़ नहीं किया जाता है जिससे आपको इस क्रीम का कुछ भी साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता है। आप इस क्रीम को टेंशन फ्री यूज़ कर सकते हैं। गाइज बात करें इस क्रीम को यूज़ करने के तरीके के बारे में, सो गाइज मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले आपको अपने फेस को किसी भी अच्छे फेस वॉश से वॉश कर लेना है और उसके बाद इस क्रीम को लगा लेना है। एंड गाइज मैं आपको एक बात और बता दूं कि आपको इस क्रीम को रेगुलर यूज़ करना होगा तभी आपको इस क्रीम का अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए गाइज मैं आपको इस क्रीम का टेक्सचर भी दिखा देता हूँ कि इस क्रीम का टेक्सचर हमें यहाँ पर कैसा देखने को मिलता है। वैसे जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इस क्रीम का टेक्सचर हमें यहाँ पर वाइट कलर का देखने को मिल जाता है। तो चलिए गाइज अब मैं आपको इस क्रीम को अपने हैंड पे अच्छे तरीके से यहाँ पर लगा के दिखा देता हूँ। गाइज जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस क्रीम को अपने हैंड पे अच्छे तरीके से यहाँ पर लगा ली है और इस क्रीम को लगाने के बाद मेरा हैंड काफ़ी गोरा नज़र आने लगा है। गाइज जैसे ही आप इस क्रीम को अपने चेहरे पे लगाते हो तो ये क्रीम आपको इंस्टेंट फेयरनेस देती है, मतलब कि इस क्रीम को लगाने के बाद आपका चेहरा काफ़ी गोरा नज़र आने लगता है। सो गाइज वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।